हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आप सबको बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई होप ये ईयर आपका बहुत अच्छा जाए। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपने उत्तराखंड से रिलेटेड एक मीठे व्यंजन, जो बेसिकली मकर संक्रांति और बसंत पंचमी में बनाया जाता है, जिसे हम घुघुत कहते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे बनते हैं। घुघुत बनाने के लिए हमें चाहिए होता है आटा, गेहूँ का आटा, और सौंफ चाहिए होती है, अजवाइन चाहिए होती है हमें, और इसमें हमें गुड़ का पाक चाहिए होता है, मींस गुड़ को पानी में पिघला के उसका पानी चाहिए होता है हमें। और इसमें हम डालेंगे सूजी, एडिशनल होती है, सूजी से और अच्छा खस्ते बनते हैं। तो ये मैंने ऐड कर लिया आटे में सूजी को, और अब मैं ये गुड़ के पानी के साथ इसे अच्छे से धीरे धीरे उलूँगी। अच्छे से टाइट सा आटा बनाना है ताकि आप उसे अच्छे से शेप दे पाएँ। तो ये व्यंजन हमारे उत्तराखंड में मकर संक्रांति से लेकर बसंत पंचमी के बीच बना सकते हैं आप, और आप इसे किसी भी शेप में बना सकते हैं। आप इसके खजूर बना सकते हैं, आप इसे घुघुत का शेप दे सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं ये, और ये परंपरा बहुत सालों से चली आ रही है। तो आटा ये लगभग हो ही रहा है, तो आप धीरे धीरे करके इसको पानी में अच्छे से मसल दीजिए ताकि आटे में अच्छे से पानी का मिश्रण घुल जाए और मिठास आ जाए। तो ये देखिए डो तैयार हो गया है मेरा। आप इसे अच्छे से एक बार अच्छे से गूंथ लीजिए ताकि अच्छे शेप मिल जाए हमारे घुघुत को। तो अब हमने इनको शेप देना शुरू कर दिया है, हम छत पे बैठे हैं बेसिकली। तो अब मैं दिखाऊंगी किस तरीके से इसकी शेप बनती है। तो आप एक लंबा सा इसको आकार देके कुछ इस टाइप से मोड़िए, तो ये शेप घुघुत की होती है। तो बहुत ही अच्छा व्यंजन है, आप इसे मीठे तौर पे बना सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ से बसंत पंचमी, मकर संक्रांति से बसंत पंचमी के बीच ही ये बनाए जाते हैं। बाकी आप किसी अदर शेप में इसको वैसे बना सकते हैं अपने खाने के लिए। तो अब मैं आपको खजूर बना के दिखाती हूँ। तो मैंने कुछ बना के ऑलरेडी बना लिए हैं, तो इसके लिए मैंने एक बड़ा सा डो लिया है। डो को अच्छे से मैंने बेल लिया है। बेलने के बाद उसे जिस टाइप से नमक पारे की कटिंग की जाती है, उस टाइप से मैंने शेप में काट लिया है। तो आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप से, और आप इन्हें अलग अलग फैला दीजिए ताकि जल्दी से सूख जाए। सूखने के बाद हमारे घुघुत और खजूर कुछ इस टाइप से दिख रहे हैं, ये सूख चुके हैं लगभग, अभी तलने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो कढ़ाई में आप तेल रख लीजिए, जितने आप तलना चाहते हैं उस हिसाब से हमने तेज़ आँच पर इनको अच्छे से तल लीजिए। और काफ़ी जल्दी ये तल जाते हैं, क्योंकि एक बार अगर सूख जाएं तो उसके बाद तलने में उनको कोई ऐसी परेशानी नहीं होती है, और हल्का ब्राउन होने तक आप इन्हें तलिए। तो कलर अब देखिए, अब सुनहरा हो गया है, ऑलमोस्ट ये हो गया है। अच्छे से हम थोड़ा सा पलट लेते हैं इनको। कलर बिल्कुल आ चुका है इसमें, भूरे रंग के हो गए। ध्यान दीजिए अगर वो ज़्यादा ही ब्राउन हो रहे हैं तो हल्की सी आंच आप कम कर सकते हैं। तो ये ऑलमोस्ट हो चुके हैं, अब हम इसे निकाल रहे हैं। तो बनने के बाद ही कुछ इस टाइप का दिखते हैं, यानी बहुत ज़्यादा मीठे होते हैं, मीठे और खस्ते होते हैं। जो मीठा बहुत पसंद करते हैं उनको बहुत पसंद आएंगे, और बहुत ज़्यादा खस्ते होते हैं तो उनको आप शाम को चाय के साथ भी खा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये उत्तराखंड की रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना मत भूलिए। थैंक यू।